हाय गाइस, दिस इज जियार एंड यू आर वाचिंग वर्क एट अवर जॉब हेल्पफुल। फ्रेंड्स, जैसा आपने देखा, कमाल की जॉब होने वाली है। ये जॉब जो होने वाली बहुत ही अच्छी और बहुत ही हेल्पफुल जॉब होने वाली आप लोगों के लिए। ऐसी जॉब और कहीं पर भी नहीं। जी हाँ, ऐसी जॉब और कहीं पर भी नहीं। यूट्यूब पे तो मिलने वाले से रही आपको, यूट्यूब पे तो मिल ही नहीं ऐसी जॉब, क्योंकि ये सब जो है इनसाइड्स जॉब रहती है, अंदर की जो अंदर चलने वाली जॉब्स रहती है, जो बाहर तक नहीं आती। बाहर कहने का मतलब है आप लोगों तक जो नहीं पहुंचती है, वो सारी जॉब्स रहती है ये सब। तो कौन सी जॉब्स रहती हैं वो अपडेट देने से पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पसंद आने पर लाइक कर लें और कमेंट्स करना कभी ना भूलें, और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कर लें वीडियो को। तो फ्रेंड्स, जॉब होने वाली है इवेंट्स की, इवेंट्स मैनेजमेंट कंपनी में इवेंट्स की जॉब है। इवेंट्स प्रमोशन, प्रमोटर, स्टॉल, वो सभी जो है एक ही होता है। तो प्रमोशन समझ लीजिए, या फिर इवेंट समझ लीजिए, या फिर किसी प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करना, मार्केटिंग करना, सेल्स करना, एक जगह में एक स्तर पर एक ही प्लेस पे खड़ा होके, वो वाली जॉब्स होने वाली है। मेल और फीमेल कैंडिडेट्स दोनों के लिए है ये। टाइमिंग थी बताऊँ तो मैं, टाइमिंग कमाल का टाइमिंग, बहुत ही अच्छा टाइमिंग है। 12 बजे से लगाकर 5 बजे तक। यस गाइस, 12 बजे से लगाकर 5 बजे तक टाइमिंग होने वाला है इसमें। 12 से 5 तो आप समझ सकते हैं कि कितना आवर्स ड्यूटी रहता है इसमें। सिर्फ और सिर्फ 4.5 घंटा 5 घंटा ड्यूटी रहता है। 5 घंटे का आपको कंपनी देती है 15,000, 15,000 रुपया। यस, 15,000 रुपये 5 घंटे का देती है कंपनी आपको। काम क्या रहता है, जो मैंने पहले भी एक बार जो है वीडियो बना के डाला था कि अपार्टमेंट एक्टिविटीज़, हिंदुस्तान यूनिलीवर का प्रोडक्ट एक्सप्लेन करना रहता है। अपार्टमेंट्स में जाके घूमना नहीं रहेगा वहाँ पे आपको, सिर्फ और सिर्फ खड़ा रहना, एक जगह स्टॉल लगा के, एक जगह चेयर लगा के बैठ के, एक जगह बैठ के एक्सप्लेन करना रहता है प्रोडक्ट को। पहले कंपनी क्या करती थी कि जो है ऑनलाइन इंटरव्यू जो है लेती थी, टेलीफोनिक इंटरव्यू, इसमें जो है इंग्लिश कंपलसरी होता था। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है, इसमें जो है डायरेक्ट ज्वाइनिंग हो रही है कंपनी की, डायरेक्ट ज्वाइनिंग होती है कंपनी की। आज ट्रेनिंग है कंपनी का, जो है कंपनी के बंदे आने वाले हैं, कुछ बंदे जाएंगे आज ट्रेनिंग के लिए, और नेक्स्ट बुधवार को वापस जो कंपनी की ट्रेनिंग होने वाली है। जो जो बंदा इंटरेस्टेड है, मेल और फीमेल कैंडिडेट्स, वो बंदा डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकता है, और आई एम इंटरेस्टेड इन HUL कंपनी करके मुझे व्हाट्सएप कर सकता है। सैलरी जैसा कि मैंने बताया था आपको कि 15,000 सैलरी होने वाली है इसमें, 15,000 मेल कैंडिडेट्स के लिए, 16,000 फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। टाइमिंग दोनों का सेम रहता है, 12 से लगाकर 5 घंटा, सिर्फ और सिर्फ 4 घंटा ड्यूटी रहती है इसमें। और मंडे मंडे वीक ऑफ मिलती है, एवरी मंडे इसमें जो है छुट्टी रहती है, वीक ऑफ रहती है। प्रोडक्ट कौन सा रहता है कि जैसा ये प्रोडक्ट रहता है, एक सर्फ एक्सेल लिक्विड फर्स्ट आइटम, दूसरा आइटम रहता है ये फैब्रिक कंडीशनर, जो कपड़ा जो है ऊनी कपड़ा जाता है ना, उसमें जो है बदबू ना आए धोते धोने के टाइम, वो सेकंड आइटम ये लेकमी का सनस्क्रीन क्रीम, और फोर्थ आइटम आपको बता दो ये वाला इंदुलेखा ऑयल। 4 आइटम का आपको जो है प्रमोशन करना रहता है, प्रमोटर के नाम पे कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ आपको थोड़ा एक्सप्लेन करना रहता है। और ये सारे प्रोडक्ट जो रहते हैं डिस्काउंट रेट पे रहते हैं, MRP रेट से 20% 30% कंपनी जो है डिस्काउंट देती है, तो आपको सेल करने में भी इजी हो जाता है, आसानी हो जाती है। तो गाइस, है ना बहुत ही अच्छी कमाल की जॉब आप लोगों के लिए। ये जॉब सिर्फ और सिर्फ यहाँ की जो लोकल है उन लोगों के लिए है, या फिर ऑलरेडी जो लोकल में रह रहे हैं, बेंगलोर में रह रहे हैं, उन लोगों के लिए। क्योंकि बाहर से बंदा इस जॉब के लिए अप्लाई करेगा, वो आएगा और जो है रूम लेगा, किराया लेगा, तो वो उसके लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये सब जो है जॉब परमानेंट नहीं है, टेम्प्रेरी जॉब है, दिसंबर तक लास्ट चलने वाली है। दिसंबर का मतलब है कि दिसंबर के लिए कोई अप्लाई ना करे, आजकल आप अप्लाई कर सकते हैं, दिसंबर तक चलने वाली है, ना कि दिसंबर में ज्वाइनिंग होने वाली है। तो सिर्फ और सिर्फ 4-5 महीना और चलने वाली जॉब है, फिर 1-2 महीना कंपनी बंद करेगी, नया प्रोडक्ट लॉन्च करेगी, या फिर नया प्रोडक्ट का प्लानिंग करेगी, और फिर जो है 1-2 महीने के बाद जनवरी नहीं फरवरी से वापस इसको स्टार्ट करती है। लेकिन ये जॉब्स जो रहती है वो परमानेंटली चलती है, 3 साल 4 साल कंटिन्यूसली चलती रहती है।
बीच में बंद होती है, महीना 2 महीने 3 महीने के लिए बीच में बंद हो जाती है, वापस जो है कंपनी अपना जो है प्रमोशन चालू करती है, इसमें जो है प्रोडक्ट चेंज कर करके जो है प्रमोशन चालू करती है। तो अभी वही जॉब आपके लिए अवेलेबल है और बहुत ही अच्छी जॉब है, बहुत ही कम समय और बहुत ही अच्छी सैलरी के साथ। लैंग्वेज इसमें कौन सी भी रहने दो आपको, लैंग्वेज कुछ भी रिक्वायरमेंट इसमें नहीं रहता है कंपनी की तरफ से। बीच में कंपनी ने कुछ जो इंग्लिश कंपलसरी कर दिया था, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए और एंड्रॉयड फ़ोन होना ज़रूरी है इसमें। लोकेशन इसमें ऑल ओवर बैंगलोर घूमना पड़ता है आपको, घूमने पे घूमना हो जाता है, अपार्टमेंट पे जो है अंदर में खड़ा रह के जो है अच्छा टाइम पास भी हो जाता है और काम भी हो जाता है। तो गाइस बहुत ही अच्छी जॉब। और एक बात गाइस, कि बाहर वाले बंदे कभी भी जो है आने से पहले मुझे एक बार व्हाट्सएप कॉल और व्हाट्सएप मैसेज जरूर कर लें कि सर हम उस काम के लिए आ रहे हैं, आने से पहले उस जॉब का डिटेल्स जरूर ले लें, धोखे में ना तो खुद रहें ना हम लोगों को रखें। क्योंकि लास्ट वीक ऐसा हो गया था, किसी बंदे ने फोटो भेजा, ये वाला बंदा बहुत अच्छा था, गरीब था बेचारा, उसका कॉल आया था कि सर मुझे हेल्प कीजिए, मुझे काम की ज़रूरत है। ठीक है भाई, हम लोगों के पास ये है, जॉब आना चाहता है तो आ जाओ करके हम लोगों ने बताया था। फिर उस 2 3 बाद बंदा कॉल करता है कि सर मैं जो है अपंग हूँ, अपंग हूँ करके थोड़ा माइंड थोड़ा हुआ कि ठीक है एक काम करो, तुम्हारा फोटो भेजो, हम लोग देखते हैं, अगर तुम्हारे लायक कुछ काम होगा तो हम लोग जो है तुमको देंगे करके। तो उस बंदे ने फोटो भेजा ये वाला, जैसा कि आप देख रहे हैं, वो फोटो भेजा, बंदा आया, और जो बंदा आया हम लोगों के साथ में सामने, वो बंदा कैसा आया ये पूरा उसका फोटो देखिए, हाथों से नहीं वो पैरों से भी अपंग था। और उस बंदे ने फोटो और कुछ और ही भेजा था और बोला था कि मैं काम कर सकता हूँ करके। तो उसका हाथ और पैर देखो, भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ हो, क्योंकि बहुत ही बुरा हुआ उसके साथ मैं समझता हूँ। लेकिन मेरे भाई, मैं इन सब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसे बंदे हम लोगों को धोखा में न रखे। देखो ऐसे बंदों के लिए काम मिलता है नहीं कि बड़ी मुश्किल से काम मिलता है, और ऐसे बंदे किसी के ऊपर ट्रस्ट करके विश्वास करके अपना घर न छोड़ें। हम लोगों का अच्छा जो है हुआ कि हम लोग, मतलब हम लोग क्या, मैं खुद जो है उसको 8 बजे से अपने जो है एरिया से जो है मजेस्टिक से जो है रेलवे स्टेशन से फ़ोन करके बुला के उसको देखता हूँ, तो ऐसी हालत। फिर उसको 1 कंपनी 2 कंपनी 3 कंपनी 4 जगह में 5 जगह उसको ले ले जाके पीछे गाड़ी में बिठा के घुमाया, चल यहाँ नहीं तो वहाँ तुमको सेट करता हूँ, वहाँ नहीं तो वहाँ सेट करता हूँ, 5 जगह में उसको लेके गया। लेकिन उस बंदे को सब जगह से रिजेक्ट कर दिया, उसकी हालत देख के, उसकी कंडीशन देख के सब लोग यही बोले कि इससे काम नहीं होता है। आखिर में उसमें बंदे को एक जगह ऐसी लेके जाए सेठ की दुकान पे, जहाँ किराने की दुकान होती है सुपर मार्केट में, वो मतलब हम लोगों के मतलब एक मिलने वाला ही था। तो उसने यस कर लिया, चलो बंदा मैं उस बंदे को रख लेता हूँ करके, खा पी के जो है कितना लेगा उस बंदे को पूछा, तो उसने बोला कि सर मुझे 10,000 और खाना पीना दीजिए। तो आप समझते हैं कि ऐसी कंडीशन में उस बंदे को 10,000 और खाना पीना मेरे हिसाब से तो कहीं पर भी मिलने वाला नहीं है, और अगर मिल जाए उसकी लक के हिसाब से तो वो एक अलग चीज है, क्योंकि उस बंदे से झाड़ू भी नहीं निकलता है। तो उस सेठ ने मना कर दिया, तो मैं कैसे भी करके रिक्वेस्ट करके फिर बोला कि सर देखिए सर ऐसी ऐसी कंडीशन है, बेचारा आ गया है घर से गांव से कुछ भी, तो आप हेल्प कीजिए, थोड़ा हम भी हेल्प करते हैं आप भी हेल्प कीजिए। पता नहीं क्या हुआ उस सेठ के दिमाग में, उसने मना कर दिया। फिर मैं 11 12 बजे तक उस बंदे की घूम लेके घूमता रहा, परेशान होकर मैं भी फिर उस बंदे को जो है भाड़ा किराया दे के वापस उसके अपने गांव भेजा। मुझे पता है अगर वो बंदा इस वीडियो को देख रहा है तो मैं उससे एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे भाई कभी भी जो है किसी के जो है पहले अपना प्रॉपर फोटो भेजे, या फिर जैसा तुमने जो है हम लोगों पे विश्वास किया वैसे किसी के ऊपर विश्वास करके ना जाए, क्योंकि दुनिया हम लोगों जैसी नहीं है। जैसा हम लोग ने आप लोग तुम्हारे साथ व्यवहार किया, अच्छे से घुमाया दिखाया, 3 4 जगह हम लोगों ने ट्राई किया, फिर नहीं सूट हुआ तुम लोगों को वापस जो है अपने गांव भेज दिया था तुमको। तो ऐसे विश्वास किसी के ऊपर ना करे मेरे भाई, पहला डिटेल्स ले ले कि कंपनी वो कैसा है, हो सकता है कि आप तुम्हारे साथ धोखा हो जाए, तुमको बुला लिया जाता है, तुमको लूट लिया जाता है, तुम्हारा बैग वगैरह छीन लिया जाता है, किसको पता भैया ये बेंगलोर है। तुम लोग अपना गांव छोड़ते हो ना तो किसी के भरोसे जो है छोड़ते हो ना, तो पहले उसका
बायोडाटा देख लो पहले, उसका कंपनी का देख लो कि वो कंपनी रियल में वो जो है कैसी है, और मैं जा रहा हूँ वो रियल में कंपनी है कि नहीं है। तो गाइस इस चीज़ का ध्यान रखे, और मेरे भाई तू जो इस वीडियो को देख रहा है वो भी तू ध्यान रख कि आगे से कहीं पे जाता तो पहले अपना पूरा बायोडाटा भेज के, भैया मैं ऐसे से हूँ, मेरा पैर भी ऐसा, मेरा हाथ भी ऐसा है, तो मेरा उससे काम ऐसे से हो सकता है या नहीं हो सकता है, तभी तू मेरे भाई घर छोड़ अपना, नहीं तो अपने माँ बाप को दुखी मत कर और घर मत छोड़। तुम्हारे गांव में कुछ तुम्हारे लिए छोटा मोटा काम मिल जाएगा। तो गाइस सॉरी थोड़ा वीडियो लंबा हुआ, लेकिन ये बताना ज़रूरी था क्योंकि हिंदी वाले जो लड़के हैं आँख बंद करके आँख मूंद के जो है कहीं पर भी चले जाते हैं बिना कुछ देखे आगे पीछे। तो फ्रेंड्स सॉरी फॉर, मैं उसके लिए उस भाई के लिए कि एक बार माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने ट्राई किया था, बहुत जगह घुमाया था, 3-4 जगह तुमको लेके गया था कंपनी उसमें, लेकिन कोई नहीं रख पाया, तो उसके लिए मैं सॉरी। तो फ्रेंड्स और यार सॉरी है, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था मैं। तो फ्रेंड्स आपके लिए एक और अच्छी जॉब, जो जो बंदा इंटरेस्टेड है इस जॉब के लिए वो बंदा मुझे कॉल करें, मुझे व्हाट्सएप पे आई एम इंटरेस्टेड इन हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी करके मुझे व्हाट्सएप पे लिख के भेजें। तो फ्रेंड्स ये आपके लिए अच्छा जॉब, अच्छी अपॉर्चुनिटी लेके हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिए, बाय बाय, टेक।